हेलो ब्यूटीफुल, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू डूइंग रियली रियली वेल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर सेल रिकमेंडेशन वीडियो। सो फाइनली माय फेवरेट डॉक्टर शेद हैज़ अगेन कम अप विद देयर बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर, विच इज़ देयर बेस सेल, जहाँ पे आपको मिलता है बाय वन गेट वन का ऑफर ऑन ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग 90 ईयर्स ऑफ ब्रिंगिंग आउट द ब्यूटी ऑफ इंडियन स्किन केयर। ना इससे पहले भी मैं आपको दो वीडियो रिकमेंडेशंस की दे चुकी हूँ, वो भी चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगी उन वीडियोस का, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। सो आज की रिकमेंडेशन वीडियो में आपको कोई रैंडम प्रोडक्ट्स नहीं दिखाऊंगी, आज मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, एक रूटीन प्रॉपर सेट करके दूंगी, बी इट योर ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है, वीक बैरियर है, पिगमेंटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट रिकमेंड मैं आपको करूंगी। और वो प्रोडक्ट्स विच आई हैव एंड माई फैमिली हैव ट्राइड सिंस लास्ट 2 ईयर्स एंड दोज आर होली ग्रेल्स, तो वही मैं आपको आज रिकमेंड करने वाली हूँ, विच आई कैन एब्सोल्युटली आंखें बंद करके रिकमेंड मैं कर सकती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ स्टेप वन ऑफ एनी स्किन केयर रूटीन इज वॉशिंग योर फेस विद अ क्लेंजर। नाउ अगर आपका स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, देन आई वुड हाईली सजेस्ट दिस नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फोमिंग फेस वॉश। नाउ दिस हैज़ 2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड, 1% ऑफ नीम एंड 0.5% ऑफ तुलसी का एक्सट्रैक्ट। नाउ इसके अंदर सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी डले हुए हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स भी डले हुए हैं और आपके एक्नेस को कंट्रोल करने वाले इंग्रेडिएंट्स भी डले हुए हैं। नाउ इट्स बीइंग अ सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है, बिकॉज इसके अंदर ग्लिसरीन डली हुई है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखती है। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेयर एक्ने है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस वन, इट्स अ ब्यूटीफुल क्लेंजर, आई जस्ट लव दिस वन। बट इफ यू आर अ पर्सन जिसको बहुत ज्यादा एक्नेज नहीं है, ओकेजनल एक्नेज है और आप 2% की तरफ नहीं जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर दिस नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। नाउ इसके अंदर डला हुआ है सिर्फ 1% ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तुलसी एंड नीम, ग्लिसरीन, वो सब आपको इसके अंदर भी मिलेगी, बस इसके अंदर 1% है, उसके अंदर 2% है, बट इट्स इन अ जेल फॉर्म। तो अगर आप पे जेल फॉर्म्स सूट नहीं करती हैं, आपको टेक्सचर आ जाता है, सो ऑलवेज ट्राई कि आप इसको पहले हैंड पे लेके अच्छे से इसका फोम बना के देन उसको अप्लाई करोगे, तो आपको बिल्कुल भी टेक्सचर फील नहीं होगा। बट अगर आपका स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, सेंसिटिव नहीं है, देन आप इसको डायरेक्टली भी फेस पे अप्लाई कर सकते हो। आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, रोजेशिया प्रोन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और वीक बैरियर का प्रॉब्लम है, देन दिस सीका एंड सेरामाइड जेंटल क्लेंजर इज फॉर यू, बिकॉज इसके अंदर डला हुआ है सीका विच इज वेरी सूदिंग ऑन द स्किन, एलोवेरा है अगेन सूदिंग ऑन द स्किन, अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर 5% ऑफ ग्लिसरीन डली हुई है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगी, एंड इसमें डला हुआ है सेरामाइड का कॉम्प्लेक्स जो आपके स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। क्रीमी लाइक टेक्सचर है बट क्लीन अच्छे से करता है, एक जो फिल्म होती है वो नहीं छोड़ता है, ये अच्छी क्लीन फील आपको देता है एंड आपकी जो ड्राई सेंसिटिव स्किन है उसको सूद और काम डाउन करने में हेल्प करता है, ब्यूटीफुल क्लेंजर। ना अगर आप मॉर्निंग एंड नाइट में सेम जेंटल क्लेंजर लगाना प्रेफर करते हैं, तो आप ये सेम क्लेंजर्स रात के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यू पर्सन लाइक मी जिसको रात के टाइम पे कुछ ऐसा चाहिए जो थोड़ा और अच्छा क्लीन फील दे एंड यू प्रेफर समथिंग क्रीमी लाइक टेक्सचर, देन दिस इज अ बॉम प्रोडक्ट फॉर यू। दिस इज द सेरामाइड एंड वाइटामिन सी फेस वॉश। दिस हैड सेरामाइड एंड वाइटामिन सी एंड टेक्सचर, OMG, दैट क्रीमी, वेरी सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर जो काफ़ी अच्छा रिच फोम बनाता है एंड काफ़ी अच्छे से आपको स्क्वीकी क्लीन वाला फील देता है, बट ड्राई आउट आपकी स्किन को ये नहीं करता है। दिस इज माई सेकेंड ट्यूब एंड आई जस्ट लव दिस वन। सो इफ यू पर्सन हु प्रेफर स्क्वीकी क्लीन वाला फील बट ड्राई आउट ना करे स्किन को और आपकी स्किन में ब्राइटनेस भी लेके आए, देन दिस वन इज फॉर यू। स्टेप टू कम्स अ टोनर। नाउ टोनर इज वेरी ऑप्शनल थिंग बट स्टिल इफ यू प्रेफर अ टोनर, देन आप इनका 5% नियासिनामाइड वाला टोनर लगा सकते हो, वो बहुत अच्छा है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मॉइस्चराइजेशन। नाउ इफ यू आर अ ड्राई स्किन, देन डेफिनेटली आप मॉइस्चराइजर तो लगाते ही होंगे, बट इफ यू आर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड इफ यू आर स्किपिंग योर मॉइस्चराइजर, देन यू डूइंग द रॉन्ग थिंग हियर। बिकॉज रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया था कि मैं सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट लगाती हूँ और मेरा स्किन बहुत ज्यादा रफ और ड्राई हो रहा है, मैं क्या करूँ। सो मैंने उनको पूछा कि डू यू मॉइस्चराइज योर फेस, डू यू यूज मॉइस्चर,
मॉइस्चराइजर, देन शी सेड कि नो बिकॉज मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी तो मेरा जो स्किन है वो ऑयली होना शुरू हो जाएगा और यू नो मेरे को और एक्ने होने शुरू हो जाएंगे. दैट इज़ नॉट करेक्ट. अगर आपका ऑयली स्किन है यू हैव टू यूज़ अ मॉइस्चराइजर, बट आपको मॉइस्चराइजर ढूंढना है ऐसा विच इज़ जेल बेस्ड एंड ऑयल फ्री. बिकॉज अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो जो आपका स्किन है अंदर उसको सिग्नल जाएगा अंदर कि बाहर ऑयल की कमी है, तो वो और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी. वेयर एज अगर आप अपने स्किन को वेल मॉइस्चराइज रखते हो देन आपका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो भी कम होना शुरू हो जाता है. आई हैव दिस ब्यूटिफुल ऑप्शन फॉर यू एंड इट्स माई होली ग्रेल. दिस वन इज देयर सेरामाइड एंड वाइटामिन सी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर. आई डोंट नो हमने इसकी कितनी एम्प्टीज करी हैं, ये भी एम्प्टी ही है और रिपर्चेज हो चुकी है. जस्ट लव दिस मॉइस्चराइजर बिकॉज एक तो इसके अंदर वाइटामिन सी का कॉम्प्लेक्स डला हुआ है जो स्किन को ब्राइटन अप करता है, सेरामाइड का कॉम्प्लेक्स डला हुआ है जो आपके स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है, एंड थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो इसका टेक्स्चर है दैट इज़ वेरी वेरी लाइट. इट हैज़ द जेल क्रीम टेक्स्चर, मक्खन की तरह स्प्रेड होता है और आपकी स्किन पे थोड़े टाइम के बाद एक गायब हो जाता है. लाइक आपको फील ही नहीं होता कि आपने कुछ भी अपने फेस पे लगाया है. लाइक इट्स दैट लाइट, लाइक फील ही नहीं आती है कि आपने कुछ भी लगाया है. एंड आई बींग एक्ने प्रोन एंड स्पेशली कॉमेडॉन प्रोन पर्सन लव दिस वन बिकॉज मुझे इससे कॉमेडॉन्स नहीं होते हैं. सो इट्स अ परफेक्ट मॉइस्चराइजर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु रेंज बिटवीन नॉर्मल टू ड्राई स्किन, बट अगेन आप अपना बैरियर को भी टैकल करना चाहते हो, बैरियर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, देन दिस सेरामाइड एंड वाइटामिन सी डेली ब्राइटनिंग क्रीम इज़ फॉर यू. नाउ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 5% वाइटामिन सी डली हुई है एंड 1% इसमें डला हुआ है सेरामाइड का कॉम्प्लेक्स. बट इसके अंदर एक आधा ऑयल डला हुआ है. सो इफ़ यू आर रेंज बिटवीन नॉर्मल टू ड्राई स्किन then this gonna be a perfect option for you. Now if you're a person जिसको pigmentation का problem है, dark spots का problem है, acne के marks है या melasma का problem है, then this केसर and कोजिक daily pigmentation correction cream is for you. Because इसके अंदर डला हुआ है 2% of कोजिक acid जो आपकी pigmentation को tackle करेगा, 1% niacinamide है skin को repair करने में help करेगा, and 0.5% है इसके अंदर glycolic acid जो mild exfoliation करेगा. तो एक तरह से आपकी mild exfoliation हो रही है, कोजिक acid deep आपकी skin में जा रहा है, niacinamide आपकी skin को repair कर रहा है. Beautiful concoction of the ingredient and again texture is मक्खन, gel cream texture है, इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है, कोई हैवीनेस कोई चिपचिप आपको फील नहीं होती है. ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजर. स्टेप 4 आता है आपकी स्किन केयर रूटीन का यूजिंग अ SPF विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे इनडोर है, आउटडोर है, सनी है, क्लाउडी है, रेनी है, जैसा भी वेदर है, यू नीड SPF. ना इफ़ यू आर अ पर्सन जिसका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ड्राई है, रोजेशिया प्रोन है, वीक बैरियर है, देन दिस सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन इज़ फॉर यू. वी लव दिस सनस्क्रीन, मी माई हस्बैंड माई होल फैमिली लव दिस सनस्क्रीन बिकॉज एक तो इसके अंदर रिपेयरिंग इन्ग्रीडियंट्स हैं, वाइटामिन सी है, ब्राइटनिंग के लिए हेल्प करती है, बट जो इसका टेक्स्चर है ना दैट इज़ जस्ट टू डाई फॉर. लाइक इट फील्स लाइक यू नो मक्खन आप स्प्रेड कर रहे हो फेस पे, बट वो इंस्टेंटली सिंक इन हो जाता है. कोई चिपचिप नहीं है, कोई हैवीनेस नहीं है, आईज में स्टिंग नहीं करती है, फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है, अमेजिंग फॉर सेंसिटिव स्किन. एंड दिस वन इज़ अ हाइब्रिड सनस्क्रीन, इसके अंदर ऑर्गेनिक एज वेल एज मिनरल फिल्टर्स दोनों ही डले हुए हैं एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है. नाउ अगर आपके स्किन पे वाइटामिन सी सूट नहीं करता है और आपका स्किन वीक बैरियर का प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन. इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल सनस्क्रीन, हाइब्रिड सनस्क्रीन है, 1% हाइलुरोनिक एसिड है, 1% इसमें हल्दी का एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, ग्रेट फॉर ब्राइटनेस एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए परफेक्ट है. अगेन जेल क्रीम टेक्सचर है, मक्खन वाला टेक्सचर है, गायब हो जाती है स्किन में, बिल्कुल फील नहीं आती है कि आपने कुछ भी अप्लाई किया है अपनी स्किन पे. ब्यूटिफुल. अगर आप ऐसे हैं जिसको ये जेल क्रीम टेक्सचर्स पसंद नहीं है एंड हु प्रेफर सिलिकॉन बेस्ड टेक्सचर, देन इनका सेंटेला नियासेनामाइड वाला सनस्क्रीन आता है, दैट इज़ ऑल्सो परफेक्ट. ऑयल फ्री है, आप उसकी तरफ भी जा सकते हो. अभी मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया है, बट दैट्स अ ब्यूटिफुल सनस्क्रीन. आप उसकी तरफ भी जा सकते हो इफ़ यू लुकिंग फॉर कम्प्लीटली ऑयल फ्री सनस्क्रीन. बट इफ़ यू आर अ पर्सन हु लुकिंग फॉर अ प्रेगनेंसी सेफ, ब्रेस्ट फीडिंग सेफ सनस्क्रीन, लुकिंग फॉर अ मिनरल सनस्क्रीन, देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल न्यू लॉन्च फ्रॉम देम. इट्स देयर
मिनरल सनस्क्रीन। इसका मैंने रिसेंटली आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है 1 month का। लव दिस सनस्क्रीन बिकॉज इसके अंदर डाला हुआ है 25% ऑफ जिंक ऑक्साइड। इट्स अ ग्रेट मिनरल फिल्टर, UVA UVB रेज दोनों को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है, बट ये आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करेगी बिकॉज इसके अंदर डाला हुआ है 2% ऑफ ग्लिसरीन, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी हेल्प करती है। टेक्स्चर इसका बिल्कुल लाइट वॉटरी सा है, लाइक जैसे आप इसको स्प्रेड करते हो इंस्टेंटली सिंक इन हो जाती है एंड देर इज जीरो वाइट कास्ट। अगर आपको बिफोर आफ्टर देखना है ये वीडियो जरूर चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। ब्यूटीफुल सनस्क्रीन, हाईली रिकमेंडेड। ये तो हो गए आपके बेसिक स्किन केयर के स्टेप। नेक्स्ट आता है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सफोलिएशन। अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और अगर आप अभी बिगिनर हैं केमिकल एक्सफोलिएशन में, देन दिस मलबरी एंड मैंडेलिक एसिड पील इज फॉर यू बिकॉज इसके अंदर डला हुआ है 10% ऑफ मैंडेलिक एसिड, 2% इसमें नियासिनामाइड है, 1% इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, पपाया एंड मलबरी का एक्सट्रैक्ट इसमें डला हुआ है। वेरी वेरी जेंटल ऑन द स्किन, जेल लाइक टेक्स्चर है। द ओनली हिकअप विद दिस प्रॉब्लम इज कि जो इसका पैकिंग है दैट इज वेरी वेरी मेसी बिकॉज ये जेल फॉर्म में है तो कभी कभी बहुत अच्छे से निकलती नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट द ब्रांड कि वो एक पंप पैकेजिंग में आ जाए या ट्यूब पैकेजिंग में इसको बना दें, देन इट्स ग्रेट। बस थोड़ी सी पैकिंग हिकअप है, बाकी द प्रोडक्ट इज अमेजिंग। लाइक फॉर सेंसिटिव स्किन दिस वन इज अ बून, बट अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ग्लाइकोलिक एसिड ले सकता है आपका स्किन, देन दिस एक्स्ट्रा जेंटल पील इज फॉर यू। और ये वो पील है जिससे मैंने अपनी केमिकल एक्सफोलिएशन जर्नी स्टार्ट करी थी आज से 3-4 साल पहले। सो इसके अंदर 5% लैक्टिक एसिड है, 5% इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड डाला हुआ है एंड कैलेंडुला एंड पोमेग्रेनेट का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। वेरी जेंटल पील, आप इसको हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो। क्रीमी लाइक टेक्सचर है, 5 to 7-8 minutes तक आप इसको लगा के वॉश ऑफ कर सकते हो। इट्स ग्रेट फॉर पिगमेंटेशन, अगर आपको कहीं पे भी डार्क स्पॉट्स है देन दिस वन इज ग्रेट फॉर यू। बट If you are a person who is facing acne, swear acne ka problem hai, then I would highly suggest you this neem and BHA spot clarifying serum. Love this one. Like weekly 2 baar lagao, aapke acne bahut acche se control ho jayenge. I love this one because iske andar ek to neem hai और इसके अंदर डाला हुआ है सैलिसिलिक एसिड, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अमेजिंग है। टेक्सचर इसका बहुत प्यारा है, जेल लाइक टेक्सचर है तो काफ़ी सूदिंग भी ये फील होता है आपको आपके फेस पे। अगर आप ये सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड इनकी तरफ नहीं जाना चाहते हो, देन दिस पैशन फ्रूट एंड सल्फर मास्क इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू इफ यू आर फेसिंग एक्ने ऑन योर फेस। भाई इसके अंदर 5% सल्फर डाला हुआ है जिसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, काइलिन बेंटनाइट हैं जो आपके ऑयल को रेगुलेट करेंगे, ऑयल को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। ब्यूटीफुल क्ले मास्क, हफ्ते में आप 2 बार इसको लगा सकते हो एंड यू विल बी सॉर्टेड। यहाँ तक आपका फेस का स्किन केयर कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद आते हैं बॉडी पे। नाउ दे हैव ऑल्सो कम अप विद देयर बॉडी वॉशेज, तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली इनमें से कोई बॉडी वॉश सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके बॉडी में एक्नेज हैं तो आप ये नीम वाला ले सकते हो, अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है देन आप ये गुलाब एंड ग्लाइकोलिक एसिड ले सकते हो, अगर आपका स्किन ड्राई है सेंसिटिव है देन आप ये सेरम वाले की तरफ जा सकते हो। लाइक इन तीनों में से आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, सब स्किन टाइप के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं बॉडी वॉश। एंड सिमिलर वे में इनके बॉडी लोशंस भी आते हैं, अगर आपका एक्ने प्रोन है आप इनके लैक्टिक एसिड वाले की तरफ जा सकते हो, आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है आप शिया बटर वाले की तरफ जा सकते हो। बट द वन विच आई एब्सोल्युटली लव फॉर माई सेंसिटिव स्किन इज दिस सेरामाइड एंड वाइटामिन सी बॉडी लोशन। Love this body lotion. Like after shave though it works like magic. Like I just love this one. I think it's my 5th bottle and I'm definitely going to repurchase this one again. Beautiful lotion, highly recommended. Now jin cheezon ki aapko need hai wo aap ऐड कर सकते हो, बट कीप द थिंग इन माइंड कि जो हमारा ब्लॉगर कोड होता है ना, स्पेशल कोड आप लोगों के लिए, वो इस टाइम पे नहीं लगेगा बिकॉज अभी ऑलरेडी आपको बाय वन गेट वन का ऑफर मिल रहा है सारे के सारे प्रोडक्ट्स में, तो वो कोड नहीं एप्लीकेबल होगा। बिकॉज बहुत बार मुझे कमेंट आता है कि आपका कोड नहीं लग रहा है, कोड नहीं लग रहा, दैट बिकॉज कि सेल के टाइम पे वो कोड्स नहीं लगते हैं बिकॉज आपको ऑलरेडी 50% का ऑफ मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सो या
I'm gonna provide you the link in the description box. Do check that out and enjoy shopping. I hope you found this video a little bit helpful. थोड़ी सी भी help हुई है thumbs up दे देना, चैनल को subscribe कर लेना और मुझे Instagram पे follow कर लेना. मिलती हूँ आपको मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. Bye bye.